अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे चैनल पीएम गेमर्स पे। तो आज फिर हम जो है ना आपके लिए टीडीएम टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गए हैं। तो आज का हमारा 1v1 फ्रेंडली टीडीएम है, लो एट वाला सीन है, आईटी बलोच के साथ है। ये हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी 1v1 के लिए, तो फाइनली हमने इनके साथ 1v1 कर लिया और आज हम लेके आ गए हैं आपका, मतलब आपके सामने। तो आज जो है ना हम जहाँ तक हो सका आपको सिखाएंगे अभी। तो सबसे पहली बात, आपको जब भी टीडीएम खेलना है ना, आपको जैसा मेरा एम है ऐसा एम बिल्कुल भी नहीं रखना, समझ रहे हो ना। हाँ, आपको अपना एम जो है ना वो ठीक करना है। तो दूसरी बात जो है, आपको ऐसे ही हमेशा कवर में रह के पीक दे के फायर करना है, मतलब ओपन में जा के मारने वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी, जो कि बाद औकात में भी करते हैं। जैसा कि सबको पता है, हमको ज़्यादा ख़ास अक्लमंद है नहीं, बेवकूफ़ी का मुजाहरा हर वक्त करते रहते हैं। और ये आईटी बलोच, क्या नाम है इसका, आईटी बलोच बलोच भाई ने जो है ना इतना हमारे साथ टीडीएम नहीं खेला जितना इन्होंने हमें कमाया। ये देखो, तुक्का लग गया, आखिरी गोली पे मर गया, वरना जो है ना इस बार फिर हमारी पेटी ही। तो अब हम लेंगे गिन गिन के बदले। और ऐसे ही जब जब भी, मतलब जहाँ भी आपको लगे ना कि एनिमी आएगा, वहाँ पर आपको रैंडम ही प्री फायर दे देना है। आइए, नहीं नहीं मतलब क्या, वो स्लाइड वाला मजाक ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहिए यार। मैंने बोला था स्लाइड ऑफ करो, लेकिन करते नहीं। खैर यार, क्या कर सकते हैं, जितना हो सका हम जो है स्लाइड को डिफीट करेंगे। तो एक तो ये बंदा पता नहीं चाहता क्या था, जब इसे पता है मैं इधर हूँ तो ये किधर जा रही है, किधर जा रही है। बंदर बनने का ज़्यादा शौक चढ़ी है। अरे इधर हो भाई। हाँ, और भाई साबिती के साथ हमने दोबारा इनको लाबी शर्ट करवाया, हमारी तीन की कोम्बो चली गया, हमें गुफा आ गया, गुफा, समझ रहे हो ना। ये देखना, अभी हमने प्री फायर दिया। मेरे हर टीडीएम में तकरीबन मोस्ट ऑफ द किल जो होते हैं ना, वो मेरे प्री फायर की वजह से होती हैं। और ये पता नहीं क्यों यार, आए दिन मेरे कंट्रोल हिले रहते हैं यार। मैंने ये आई बटन कहाँ पे रखा था और ये कहाँ पहुँच गया है। जब भी क्रोच कर रहा हूँ आई बटन पे हाथ जा रहे हैं, और आई बटन का वो इन्होंने स्केयर एरिया इतना बड़ा कर दिया, क्या ही बताऊँ यार। ये कर क्या रहा था ज़िंदगी में, सस्ते नशे वो भी इतने ज़्यादा कभी नहीं करने चाहिए। तो हम जो है अच्छी खासी लीड बना चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी लीड रहने वाली है, क्योंकि जब एक बार हमारी लीड टूटती है ना, मतलब कंबर टूटती है, दोबारा किल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्यों यार, ज़िंदगी में मजाक चल रहा है। तो भाई ने अच्छा मोमेंट दिया और किल भी कर दिया। तो दूसरा जो है ना, आप कभी भी इस कंटेनर के ऊपर से ऐसे छलांग नहीं मारनी। ये तो अच्छा हुआ ये बाहर से नहीं, बाहर नहीं आया, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारी लापी शॉट थी, हम जाते फार यू पे और वायरल होके आते। खैर अब भी फार यू पे आ गए, लेकिन वैसे नहीं गए यार, वो कुत्ते की मौत होता है। तो हम यहाँ से जो है ना अपना थर्ड एक्यू लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे होता नहीं, वो कहीं और ही पहुँचा होता है। ये पता है ना, टिक ही नहीं रहा टीडीएम। चलो बैठा लाबी शॉट, फिर से बता दूँ, ये हमारा फ्रेंडली रूम था, कोई मतलब ज़्यादा हैवी वाला सीन नहीं है। ये नो भाई, वो आईटी ब्लोच आ गए, ये क्या था, ये क्या था बताओ मुझे, ये था क्या। ओ भाई वो आईटी ब्लोच, अगर तो आप ये देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार नेक्स्ट टाइम जब भी आओ ना टीडीएम खेलने, स्लाइड ऑफ करके आना, अल्लाह आपका भला करेगा। किधर किधर, ये था क्या, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये था क्या। ये सवाल मेरा आपसे नहीं, ये सवाल मेरा खुद से है, आखिर मैं ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता क्यों हूँ। खैर मैं भी यहाँ पे जो भी बेवकूफ़ियाँ कर रहा हूँ, वो आपको हरगिज नहीं करनी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इन भाई से जीत जाता हूँ, वरना हम कान नहीं लग रहे थे। खैर यार, हम भी मोमेंट गॉड हैं, मारते ना, क्या सोचने यार। ये जॉयस्टिक का ना नशे चलते हैं, पता नहीं क्या, खुद ब खुद ही रुक जाती है, अजीब जानवर यार। नहीं मतलब क्या,
अरे भाई इधर आना यार, क्यों घुमा रहे हैं आप फोन को। आपा डायलॉग सुनाते हैं। ए चिच्चा, नहीं चिच्चा, कहानी नहीं सुनाने का चिच्चा। अब्बा पुन के दिमाग में भी दिमाग, अब्बा पुन है डबल स्मार्ट शंकर, समझ रहे ना चिच्चा। तूने अपन को मारा तो अब हम बदला लेने आए हैं यार। मरने के बाद बंदा क्या करता है, बदले ही लेने आते हैं। और ये हैवी वाला हेड पड़ा और भाई भाग पड़े, और यहाँ पे पढ़नी चाहिए, और ये कैसे कैसे बच गया। नहीं, तो अच्छी खासी जो है हम लीड बना चुके हैं। 10-6 ये जीतने के लिए काफ़ी है और हारने के लिए भी चौड़ काफ़ी है, समझ रहे हो ना। कभी भी मैच के आप आधे में चौड़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब अगला बंदा लीड पकड़ता है ना, बहुत गंदी होती है, समझ रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक दोस्त के साथ, वैशी के साथ रोम लगाया, वावे मैंने 7 की कोमो मारी, पहले ही सारे किल मेरे थे, मैं चौड़ में आ गया कि आज हम जीतेंगे। फिर मैंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ शुरू की, तो किस्मत फिर भी अच्छी थी, 2 किल से जीत गया। और ना उसने 11-12 की कॉम्बो लगा के सारा बदला लिया। ये मेरी लेवल 1 की ग्लेशियर किस किस को लेवल 6 की लगती है, सच सच बताना। मुझे तो भाई रोज फीलिंग आती है कि मैं लेवल 6 की ग्लेशियर चला रहा हूँ। भाई सिर्फ मुझे जॉयस्टिक यूज़ करना आ जाए ना, मैं प्रो प्लेयर हूँ। हाँ, आई एम द प्रो प्लेयर। अरे भैया किधर जा रहे हो, हमको तो नींद आ रही है। अबे इधर मारना बोटे। हाँ ऐसे, चलो ठीक है, इतनी वीडियो किसी ने नहीं देखनी, बाकी वही सब एंड पे करता हूँ। The blue team leads with 30 seconds left. यहाँ पे जो है ना, हम मतलब अच्छी खासी लीड बना के बैठे हुए हैं, मतलब हमारे 15 किल हैं, उनके 11 हो गए हैं। तो अब यहाँ पे गेम ख़त्म होने वाली है, 4-5 सेकंड रह गए। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतने। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो हमें याद रखना, अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाजमी सिखाते हैं, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है।